गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी दफ्तर इन दिनों चर्चा में है। अब एक और महिला कर्मचारी ने एसएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये महिला भी दफ्तर के बाहर धूप में धरने पर बैठी। आरोप लगाया है कि एसएससी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं और दूसरों के साथ सोने का दबाव बनाते हैं। वहीं अफसर का कहना है कि महिला कर्मचारी शराब पीकर आती है। दरअसल यह नया मामला भी रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मकसूद आलम से जुड़ा हुआ है। उनको पोस्टिंग हुए करीब 2 साल ही हुए हैं। अब 3 दिनों में ही 2 महिला कर्मचारी उनके खिलाफ सड़क पर निकल चुकी हैं। इस बार अनुकंपा नियुक्ति पर पदस्थ महिला कर्मचारी सुंदरबाई ध्रुवे ने उन पर निशाना साधा है। सुंदरबाई शनिवार को एसएससी कार्यालय के बाहर धूप में धरने पर बैठ गईं। करीब 5 घंटे तक उनका धरना चलता रहा। इस दौरान सुंदरबाई ध्रुवे ने आरोप लगाया कि एसएससी मकसूद आलम उनसे मालिश करवाते हैं, हाथ पांव दबाते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोगों के साथ सोने का दबाव तक बनाया जाता है, गाली गलौज कर वेतन काटने और नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, ड्यूटी पर हो रहे तो भी अब्सटेंट लगा दिया जाता है, छुट्टी की एप्लीकेशन दो फिर भी अनुपस्थित कर देते हैं। पहले वाले मामले में दूरी बनाकर रखने वाले एसएससी मकसूद आलम इस बार सामने आए। उन्होंने महिला कर्मचारी सुंदरबाई ध्रुवे के सारे आरोपों को निराधार बताया। कहा कि वे महिला कर्मचारी को चैंबर में बुलाते ही नहीं है, पूरा कैंपस सीसीटीवी से कवर है। उन्होंने कहा कि स्टोर से सामान गायब हो रहा है, इसलिए चाबी नहीं देना चाहता। सुंदरबाई कार्यालय में ही शराब पीकर सो जाती है, काम पर नहीं आती है, अटेंडेंस लगाने का दबाव बनाती है। एसएससी दफ्तर में पदस्थ महिला क्लर्क सरस्वती चंद्रा गुरुवार को दफ्तर के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गई थी। करीब 6 घंटे तक धरना चलता रहा। उन्होंने भी सेक्शन इंजीनियर मकसूद आलम पर 2 साल से उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कहा था कि उनको प्रभार तक नहीं दिया गया है, उल्टे रोज गालियां दी जाती है। इस धरने के दौरान ही उनके पति को भी सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि तब भी अफसर ने आरोप झूठे बताए थे। इस पूरे मामले के बाद डीआरएम ने महिला कर्मचारी से फोन पर बात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले भी महिला क्लर्क सरस्वती चंद्रा को मिलने के लिए बुलाया था, उन्हें उनकी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आदेशित किया है। इस संबंध में डीआरएम ने पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सरस्वती चंद्रा के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। सरस्वती चंद्रा ने ट्रांसफर के लिए भी आवेदन किया था, इस पर भी विचार करने को कहा गया है। मेरे को बोलता है हाथ पैर दबाओ, एक के साथ सो गई, सबके साथ सोना करके बोल रहे थे। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।